कहाँ छानबीन करेंगे आप? ऑफिस में? ऑफिस में भी और जहाँ वो हया के साथ काम करता था वहां भी। मुझे तो तौर तरीकों से बहुत अच्छा लगा। वक्त का भी पाबंद था, कपड़े भी बड़ी तमीज़दार पहने हुए थे और बातें तो बहुत अदब से कर रहा था। आपने एक बात नोटिस की, हादी से बहुत इंप्रेस हो रहा था। लेकिन हादी कुछ इतना खुश नहीं हुआ उससे मिलके। हादी का तो दिमाग खराब है। अगर हया के लिए कोई शहजादा भी आ जाए ना तो हादी को पसंद नहीं आएगा। पता नहीं क्या सोच रखा है उसने। कहीं कोई और मसला तो नहीं है? क्या मसला? सलमान, अल्लाह माफ करे, आप कैसी बातें सोच रहे हैं? शादीशुदा है वो, सारी जिंदगी उसने हया के बारे में ऐसा नहीं सोचा तो अब क्यों सोचेगा? नहीं, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। हादी ऐसा सोच ही नहीं सकता। फरीसा को देखा है तुमने? हाँ, आपने भी नोट किया? उसके तो अंदाज ही बदल गए, लग ही नहीं रहा ये वही फरीसा। लेकिन मुझे दुख हुआ। दुख हुआ या खुशी हुई? खुशी तो हुई ही, दुख भी बहुत हुआ। बेचारी, सारा मसला उसको हया के साथ था। जब से हया की शादी की बात चली है उसके दुरंग ढंग ही बदल गए। इतनी तमीज से बात कर रही है। आपको पता है ना, सादी को साथ लेकर गई है अपने सुलाने। खुद लेकर गई है? हाँ हाँ, खुद लेकर गई है। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, हया की शादी हो जाएगी ना तो फरीसा और हादी के लिए भी अच्छा रहेगा। उम्मीद तो नहीं है। पता नहीं आपको क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? भाई वैसे ही कह रहा हूं, चलो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। हादी, आप 2 मिनट के लिए शादी को संभाल लेंगे? फीडर बना के ला रही हूं उसका। मेट का है? काफी दिनों से ऑफ मांग रही थी, मैंने आज दे दिया। मैं बस 2 मिनट में आ रही हूं। अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। इट्स ओके। शादी भी यहीं पर है। मुझे पता है। ब्लैंकेट निकालो उसके मुंह से। क्या आप सारी जिंदगी दूसरे कमरे में रहेंगे? हाथी सबसे गलती होती है, उन्हें माफ कर देते मगर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप भुला नहीं पा रहे? मुझे सुबह उठना है, नींद आ रही है मुझे। हादी, चाहे मैं आपकी बीवी हूं और आप पर मेरा पूरा हक है। मेरे ख्याल में तुम्हें सारे हकूक मिल चुके हैं जिनके लिए तुमने शादी की है। मुझे बीवी होने का हक चाहिए। एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है।